इन्होंने नाश्ते में बुलाया, हम आए, व्यक्ति का संबंध भी मायने रखते हैं। खिचड़ी कुछ तो पक रहा होगा सर। जिस दिन खिचड़ी पकेगी खिलाई भी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। जमुई में शनिवार के एक राजनीतिक घटनाक्रम से जिले की सियासत गर्म हो गई है। वैसे एक अन्य घटनाक्रम भी राजनीतिक हलकों में चर्चा में है। लोग अपने अपने हिसाब से इन दोनों घटनाक्रमों को निहितार्थ निकाल रहे हैं। दरअसल शनिवार को सांसद चिराग पासवान जमुई पहुंचे तो कचहरी चौक पर बाबा साहब अंबेडकर की श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो दिवंगत विधायक अभय सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी के सिकंदरा स्थित आवास पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव से हुई। यहां यह बताना लाजमी है कि अभय सिंह चिराग पासवान के धूर विरोधी सुमित कुमार के अग्रज तथा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र थे। गुड्डू यादव भी मंत्री सुमित के खास माने जाते हैं। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही रहकर राजद और जदयू से दो दो हाथ करने का ऐलान रखा है। जीप अध्यक्ष चुनाव से सुमित की महती भूमिका को गुड्डू यादव ने भी स्वीकार किया था। अब सवाल उठता है कि कहीं चिराग और सुमित के बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। इसके पीछे मुख्यमंत्री का हालिया दौरा भी अहम है, जो कि कई कारणों से राजनीतिक चर्चाओं में है। खासकर स्थापना दिवस सह समाजवादी नेता श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह के तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री के जमुई आगमन के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। गुड्डू यादव के घर पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की बात कही है। साथ ही किसी भी प्रकार की चुनावी खिचड़ी पकने का सवाल मजाकिया लहजे में बड़े आराम से टाल गए। उन्होंने किसी प्रकार की खिचड़ी पकने से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई खिचड़ी पकेगी तो सभी को खिलाई जाएगी। इन्होंने नाश्ते में बुलाया, हम आए, व्यक्ति का संबंध भी मायने रखते हैं। खिचड़ी कुछ तो पक रहा होगा सर। जिस दिन खिचड़ी पकेगी खिलाई भी जाएगी। उधर गुड्डू यादव ने कहा कि चिराग पासवान हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, उनसे विकास के सवाल पर उनकी बात हुई है। वैसे इस मुलाकात से कुछ लोग यह कायस लगाने की बाज नहीं आ रहे हैं कि गुड्डू के विधान परिषद चुनाव में चिराग का समर्थन हासिल हो सकता है। इस राजनीतिक घटनाक्रम का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तत्काल चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।